नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है, जिसमें दिए गए जो अध्याय हैं वो भारतीय संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुरूप निर्मित किए गए हैं। इस पुस्तक का अध्ययन हम पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेबस के लिए तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्यारे बच्चों, आज हम संघात्मक व्यवस्था के बाद बात करते हैं, संघवाद, जो भारतीय संघवाद है, जो फेडरलिज्म है वो किस प्रकार का है, उसके बारे में बात करते हैं। आज हम बात करते हैं भारतीय संघवाद की प्रकृति। नेशनल और स्टेट के बीच में, राज्य और संघ के बीच में जो प्रवृत्ति पाई जाती है, जो उनमें मतलब एकात्मकता वाली भावना पाई जाती है, जो उनमें मिलनसार की प्रवृत्ति पाई जाती है, उस बारे में आज हम बात करते हैं। यह बात तो सत्य है कि भारतीय संविधान में जो संविधान निर्माता हैं, उन लोगों ने इस बात का अनुभव कर लिया था कि केंद्र यदि मजबूत नहीं होता है तो विदेशी आक्रमकारी शक्तियां हम पर प्रभावी हो जाती हैं और हम वापस गुलाम हो जाते हैं। इसलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया समझा, परंतु ऐसा नहीं है कि राज्यों को कमजोर बनाया है, राज्यों को भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान एक ऐसे एक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है कि संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था बनी रहे। हम इस चीज का अनुभव करते हैं कि उसका स्वरूप कैसा, उसकी प्रकृति कैसी, इस बारे में बात करते हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में हम जाते हैं और उस समय देखते हैं कि जब भारतीय संविधान जब लागू हुआ, उस संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है उसमें हम भारत के लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, उसमें एक लाइन आती है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। उस विचारधारा को ध्यान में रखकर संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीय पक्ष को प्रबलता दी गई थी और इस विचार को स्वीकार किया गया है कि इकाइयों की सरकारों या राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। इस विचार का भी उदय हुआ कि केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें परस्पर विरोधी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की सहयोगी होनी चाहिए, क्योंकि संघीय व्यवस्था में सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है कि दोनों ही व्यवस्थाएं, कौन सी, केंद्र की और राज्यों की, एक दूसरे की सहयोगी होनी चाहिए। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच सहयोगी प्रवृत्ति को स्वाभाविक और आवश्यक बताते हुए संघवाद के जो विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है, केसी वियर लिखते हैं, हर संघात्मक व्यवस्था में
आपसी संयोग की संस्थाओं की या तो संविधान में व्यवस्था कर दी जाती है या इस प्रकार के संयोग की संस्थाएं परंपराओं के रूप में विकसित हो जाती हैं। 1947 और 1949 के बीच में जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय तीन व्यवस्था हमारे सामने आ रही थी। एक तो सहयोगी संघवाद, दूसरा एकात्मकवादी संघवाद और तीसरा था संघीय व्यवस्था या स्वदेवाजी वाली संघीय व्यवस्था। उसमें पहली बात करते हैं सहयोगी संघवाद। जो सहयोगी संघवाद है भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संघीय व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्था के जो रूप है सहयोगी संघवाद या एकात्मकवादी संघवाद को अपनाया गया है। संविधान निर्माता सहयोगी संघवाद ही कोई प्रमुख रूप से अपनाने की इच्छा रखते थे, लेकिन एकात्मकवादी प्रवृत्तियों को भी उनके द्वारा अपना लिया गया और इस प्रकार भारतीय संघवाद संयोगी संघवाद तथा एकात्मकवादी संघवाद का मिला जुला एक रूप है। संयोगी संघवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.H. बर्च के द्वारा किया गया। बर्च लिखते हैं कि संयोगी संघवाद का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें सामान्य और क्षेत्रीय सरकारों में संयोग का चलन हो, क्षेत्रीय सरकारें आंशिक रूप से सामान्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर निर्भर हो और सामान्य सरकार सशर्त अनुदानों के आधार पर उन विषयों के विकास को प्रोत्साहित करती हैं जो संविधान के द्वारा क्षेत्रीय सरकारों को प्रदान किए हों। जो ऑस्टिन है, ग्रेनविल ऑस्टिन लिखते हैं कि भारतीय संघवाद पर में कुछ अपवादों को छोड़कर संयोगी संघवाद के सभी लक्षण भारत पर लागू होते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संघवाद के उस रूप को अपनाया जिसे एच बर्च ने संयोगी संघवाद की संज्ञा दी है। जो संघात्मक व्यवस्था है, जो संयोगी संघवाद है, उसमें जो A.H. बर्च ने जिस संघवाद को बताया है वो हमारे भारत में विद्वान राष्ट्रीय विकास परिषद और नीतियां, जिसको हम पहले योजना बोलते थे, जो संवर्ती सूची दी गई है हमें, जिसमें सामाजिक और आर्थिक नियोजन संबंधी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इस आधार पर योजनाबद्ध विकास हेतु योजना बनाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना, जो पूर्व योजना आयोग की स्थापना की गई थी उसको भी क्या कर दिया है, नीति आयोग कर दिया की स्थापना की गई और योजना के संबंध में अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद प्रमुखता समवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों पर ही योजनाएं बनाने और स्वीकृत करने का कार्य करते हैं। वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना की, जो प्रति 5 वर्ष में अपने
रूप भेजिएगा, अपना प्रतिवेदन भेजिएगा। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को सरल कराने के लिए यह सुझाव देगा। अंतरराज्य परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 में एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई है, जिसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच या राज्य सरकारों में परस्पर उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करना है। 1990 में पहली बार अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई। अगला है अखिल भारतीय सेवाएं। जो अखिल भारतीय सेवा है उनमें भारत में प्रमुख रूप से दो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा और दूसरा भारतीय पुलिस सेवा। इन सेवाओं के पदाधिकारी केंद्रीय सरकार के क्षेत्र और राज्य सरकारों के क्षेत्र दोनों में ही नियुक्त किए जा सकते हैं। व्यवहार में इन सेवाओं ने सहयोगी संघवाद और एकात्मकवादी संघवाद के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य किया है। मॉरिस जोन्स है वो इन संस्थाओं के संबंध में लिखते हैं कि ये संस्थाएं दिखाती हैं कि केंद्र और राज्यों के संयोग से ही अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं और न तो केंद्र और न ही राज्य एक दूसरे पर अपनी इच्छा थोप सकते हैं। एक ही चुनाव आयोग और संपूर्ण भारत के लिए एक ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद की स्थापना की गई। इस श्रेणी में रखा गया है कि हमारे भारत में एक ही चुनाव आयोग एक ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई। 1957 से 5 क्षेत्रीय परिषद स्थापित की गई। इन क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का उद्देश्य विशेष के संबंध में राज्यों को संयोग को जन्म देना है। जो तत्कालीन गृह मंत्री थे पंत ने संसद में कहा था कि ये परिषदें सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। कुछ अन्य संस्थाएं भी सहयोगी संघवाद दिशा में कार्य कर रही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC इसी प्रकार की एक संस्था है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल सम्मेलन, मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन आयोजित होते हैं। वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय समस्याओं और प्रश्नों पर विचार के लिए वित्त मंत्री सम्मेलन, कानून तथा व्यवस्थाओं के प्रश्नों पर विचार के लिए गृह मंत्री सम्मेलन, कभी कभी मंत्री सम्मेलन और कभी अखिल भारतीय या क्षेत्रीय स्तर के सिंचाई मंत्री सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। जो संविधान का अनुच्छेद 263 जिसमें अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई है, अंतरराज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान जो किया गया है वो राजमन्नार आयोग, अंतरराज्य परिषद की स्थापना का आयोग जो है
राज मन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग और सबसे अंत में सहकारी आयोग, जिसने नवंबर 1987 में अपने रिपोर्ट दी थी। इन सब ने अपने सिफारिशों में इस बात पर बल दिया कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। 25 जून 1990 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? 25 जून 1990 को स्थापना की गई। इसकी संरचना कैसे की गई कि प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति तथा परिषद के केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री तो उसका अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति द्वारा परिषद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संघ में सभी राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री इस समिति के सदस्य होते हैं। यह परिषद संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंधों के सुचारू संचालन के हेतु एक विशेष मंच का कार्य करती है। परिषद के दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की गई है। आज की कक्षा में हमने देखा कि जो संघवादी प्रवृत्ति है, अब हम बात करते हैं एकात्मकवादी संघवाद। इसके साथ ही एकात्मकवादी संघवाद भी हमने अपनाया है। यूनेस्को के तत्वावधान में 1973 में संघवाद पर आयोजित एक गोष्ठी में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा है कि केंद्रीकरण की अपनी सशक्त प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप भारतीय संघवाद भारत राजनीतिक सामंजस्य और आर्थिक विकास के दायरे दोहरे उद्देश्य की पूर्ति का साधन बन गया है। यह विवाद है कि भारत में संघीय व्यवस्था है या नहीं। सराहनीय यह विवाद इसलिए उठा कि विद्वान अमेरिकी उदाहरणों से आधार ली गई संघवाद की शास्त्रीय अवधारणा में आस्था रखते हैं और उनका दृष्टिकोण पूर्वग्रह से युक्त है। भारतीय संघवाद का स्वरूप भिन्न है और केंद्रीकृत संघवाद का नवीन उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो विशेष रूप से तृतीय विश्व के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए प्रासंगिक है। एकात्मकवादी संघवाद के लक्षण भारतीय संविधान के अंतर्गत में उपस्थित हैं और बाह्य अर्थों में देखें कि संविधान के अंतरंग में उपस्थित प्रमुख एकात्मकवादी तत्व है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में और संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान, एकहरी नागरिकता, केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ एकीकृत न्याय व्यवस्था, कानून लेखा परीक्षक तथा चुनाव व्यवस्था के संबंध में एक रूपता के आर्थिक दृष्टि से राज्यों की स्थिति दुर्लभ स्थिति हो गई। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन सबके अतिरिक्त संकट काल में संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित करने का प्रावधान भी किया गया है। अगला सौदेबाजी का संघवाद। हमारे जो चुनाव में हमने देखा कि भारतीय राजनीति में अमूलचूल परिवर्तन आए चुनावों के बाद। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई,
और राज्यों में विविध दलों की सरकारों की स्थापना हुई। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में पहले तो ठीक था कि जवाहरलाल नेहरू ने के शासन काल में और कांग्रेस शासन काल में एक पार्टी सभी की नजर में दिखती थी, वो थी कांग्रेस। परंतु धीरे धीरे जो चुनाव हुए उन चुनाव में हमने देखा कि केंद्र में कांग्रेस के जाते ही बीजेपी का अधिपति स्थापित होने लगा और जो एकात्मक व्यवस्थावादी प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी। सौदेबाजी वाले संघवाद की व्यवस्था में हम बात मानते हैं कि सौदेबाजी का सीधा सीधा अर्थ होता है कि शासन सत्ता अथियाने के लिए या शासन सत्ता स्थापित करने के लिए हम एक दूसरे को सपोर्ट कोऑर्डिनेटेड करते हैं और उसमें सौदेबाजी चलती है। उस व्यवस्था को संघवादी सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था का नाम दिया गया, जो व्यवस्था हमारे संविधान में देखी गई कब, जब भारत आजाद हुआ। तो जब स्टार्टिंग में तो क्या है, कांग्रेस सरकार रही और यूं कहें कि उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की जो सरकारें थी उसमें तो एकात्मकवादी लक्षण दिखे और बीच में मोदी से लेके जो बीच की व्यवस्था गई उस व्यवस्था में सौदेबाजी वाली संघवाद की व्यवस्था उपनपने लगी। वर्तमान में मोदी सरकार आई, देखो उसमें तो उसमें भी ऐसा लगता है कि संविधान एकात्मकवादी है, सारे निर्णय प्रधानमंत्री करता है। मोदी जी का वो स्टेटमेंट याद कीजिए जिसमें कहा है आज रात 12 बजे बाद भारतीय मुद्रा लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। इस वाक्य को सुनते ही हमारे मन में एक बात आ जाती है कि केंद्र में एकात्मक शासन व्यवस्था है, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जो चुनाव है उन चुनाव में हम देखते हैं कि राज्यों की विविध दलों की सरकारें होती हैं। जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर आदि, वहां पर विभिन्न विचारधाराओं के दलों की सरकार स्थापित होने पर सौदेबाजी वाले संघवाद की प्रवृत्ति बन जाती है। 1979 से लेकर 2009 के बीच के निर्वाचनों को हम देखते हैं कि भारत में जो व्यवस्था की का जो सौदेबाजी वाला प्रतिमा स्थापित होता है वो है 1979 में वीपी सिंह की सरकार बनी, 1990 में चंद्रशेखर, 1991 में नरसिंह राव, 1996 में HD देवगौड़ा, हरदन हल्ली देवे देवे गोड़ा, 1997 में इंद्र कुमार गुजराल और 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी और 2004 से 2009 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार रही उनको देखते हैं तो सौदेबाजी वाले संघवाद की व्यवस्था हमें नजर आती। इंडिया टुडे ने 25 अगस्त 2010 में लिखा था कि केंद्र में 1979 के बाद से कोई भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के समर्थ के बिना सरकार नहीं बना सकी। 1990 के दशक में अस्थिरता के बाद पिछले 15 वर्षों के दौरान भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र की गठबंधन सरकारें स्थिर रही। उनकी स्थिरता का सीधा नियम रहा है इस हाथ दो उस हाथ लो, देने की भूमिका में केंद्र होता है और लेने की भूमिका में राज्य।
वक्त के साथ ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के साथ समझौता करना सीख गई, चाहे वह राजग की सरकार बनने में तेलुगु देशम पार्टी हो या द्रविड़ मूल कड़गम हो या यूपीए सरकार को समर्थन दे रहे हो या द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस हो। इन दोनों दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि समर्थन से शर्त दिया जा सकता है और इस आधार पर हम आज ये देखते हैं कि भारत में सहयोगी संघवाद भी है, एकात्मकवादवादी संघवादी व्यवस्था भी है और सुदेवबाजी वाली संघवादी व्यवस्था भी व्यवहार में रूप में देखने में हमने देखी। आज की कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक कोरोना वायरस है, जब तक हम इस माध्यम से आपके साथ रूबरू होंगे, आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपसे बात होती है, बहुत अच्छा लगता है और हमें भी ऐसा लगता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। कोरोना वायरस में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और मुँह पे मास्क लगाएं, जहाँ भी जाएं वहाँ मास्क लगाएं। सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर